हेलो एंड नमस्कार। ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। आज मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल देने वाला हूं कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन्स के बारे में। क्या ब्याज दर यहां पे चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आएंगे और आ चुके हैं। देखो दोस्तों, तो पहली चीज़ ये है कि मैं इससे पहले फेब में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो चेंजेस आए थे वो मैंने बता दिए थे, लेकिन उस दिन के बाद से जो चेंजेस आए थे उसके बाद से अभी तक कोई भी चेंजेस दोबारा कार लोन में नहीं आए हैं। कोई भी ब्याज दर नहीं बढ़ा है। तो ब्याज दर क्या था, 8.65, ये मिनिमम ब्याज दर था कार लोन का, 8.65 से लेकर के 9.45 तक का। ये स्टेट बैंक का पर्सनल व्हीकल कार लोन पर ब्याज दर चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ये ब्याज दर कब तक चलेगा, ये ब्याज दर चलेगा 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक ये ब्याज दर चलेगा। इस ब्याज दर के बाद 31 तारीख के बाद ये ब्याज दर 20 पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा मैं बता दूं, अभी जो ब्याज दर है ये 31 तारीख तक 20 पैसे कम चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल ब्याज दर होना चाहिए। तो ये ब्याज दर जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 1 अप्रैल से 8.85 से स्टार्ट हो जाएगा। कार लोन 8.85 पे पहुंच जाएगा और हाईएस्ट लैप 9.75 पे चला जाएगा, ठीक है। मैं निजी वाहन की बात कर रहा हूं, पर्सनल नई व्हीकल जो हम खरीदते हैं उस पे जो ब्याज दर चल रहा है। दूसरा, प्रोसेसिंग फीस भी वेव्ड है सिर्फ 31 तारीख तक। प्रोसेसिंग फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2023 से 0.40% ऑफ लोन अमाउंट। जो हम लोन लेंगे उसका 0.40% ब्याज लगेगा, प्लस जीएसटी लगती है उसके ऊपर 18%। इसके अलावा मैंने बताई दिया आपको 20 पैसे ब्याज दर बढ़ जाएंगे। तो ये कार लोन के अपडेट्स हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक के ब्याज दर अभी चेंज नहीं हुए हैं, पीएनबी के ब्याज दर भी चेंज नहीं हुए हैं। पीएनबी बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक, वो भी 8.5 का यहाँ पे ब्याज दर दे रही है, 8.55 या 5 का ब्याज दर दे रही है। मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे, वो उन्होंने एक्चुअली क्या है, कुछ कस्टमर्स आए थे कि सर वो 8.40 दे रहे हैं, वो 8.40 नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे खुद कंफर्म किया है 8.50 उनका मिनिमम ब्याज दर है, वो भी हर कस्टमर को नहीं दे रहे हैं। कुछ कस्टमर हैं जिनकी सिबिल बहुत अच्छी है, जो उनके सैलरी अकाउंट होल्डर्स भी हैं उनको दे रहे हैं। तो ये बात बताई जाती है, लेकिन जब आपके लोन बनेगा तब चीजें अलग हो जाती हैं। दूसरा, इसके अलावा जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो चीजें क्लियर करना चाहता हूं जिससे कि आप लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, तो वो आपको थोड़ी क्लियर हो जाए, कोई भी आपको गलत जानकारी ना दे। दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैंने लोन नहीं लिया, स्टेट बैंक से नहीं लिया, क्योंकि मैं ब्रांच में गया था, मेरे को ब्रांच वालों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरे को उन्होंने लोन दिया नहीं, तो फिर मैंने जाकर के किसी प्राइवेट बैंक से ले लिया। एक बात मैं बताता हूं आप लोगों को, जो स्टेट बैंक होती है जो आपकी जगह पे है, आप जिस भी शहर में है, जिस भी स्टेट में है, जिस भी सिटी में, वहां एक स्टेट बैंक नहीं है, पूरे शहर में कई सारी ब्रांचेस बनी हुई है। स्टेट बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है, तो हर ब्रांच का, हर स्टाफ का अपना अलग अलग नेचर है। ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम खुद के ही काम करवाने जाते हैं तो कभी कभी मेरा ही कोई काम मेरी ही एक ब्रांच नहीं कर रही होती है, मेरी दूसरी ब्रांच कर देती है। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। नियम कायदे सब सेम है, सब नियम कायदे से ही करते हैं, गलत काम कोई नहीं करता, जो काम जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। बट डिपेंड है कि कोई करने की इच्छा रखता है, कोई करने की इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो कभी कोई आपका काम ऐसा होता है, आपको अकाउंट्स खुलवाने में दिक्कत आ रही है, आपको ब्रांच मैनेजर का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, आपके कोई नजदीक में खाता नहीं है, आपको दूर खाता पड़ रहा है, और अब आप सोच रहे हो कि अरे स्टेट बैंक में अब तो वहां खाता खुला है, तो आप परेशान हो गए। कि तो मैं आपको बता दूं, बहुत इजीली आप अपने खाते को कितनी बार भी, 6 महीने में एक, मतलब साल भर में 2 बार 3 बार अपने खाते को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ले जा सकते हैं योनो के द्वारा। योनो एप्लीकेशन है स्टेट बैंक की, उसके द्वारा एक खाता आपका पूरे आपके इलाके में कहीं भी जा सकता है। आपको ये ब्रांच समझ में नहीं आई, अपना खाता ट्रांसफर करके दूसरी ब्रांच में ले लीजिए, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।
सिर्फ क्या रहता है कि पासबुक बदल जाएगी, नई पासबुक बनवा लेना, और चेकबुक जो है वो भी चल जाते हैं। चेकबुक में कोई इशू नहीं है कि चेकबुक पे हमारी पुरानी, लेकिन हाँ आप किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे आप चेक लगा रहे हैं और उसमें आईएफएससी कोड रहता है वो बदल जाता है, तो उससे में भी प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो ऐसा नहीं है कि एक ने मना कर दिया तो अब कई कस्टमर्स, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार लोन के लिए आए, उनको एक ब्रांच ने नहीं किया तो हमने उसकी दूसरी ब्रांच से लोन कर दिया। एक हो सकता है, एक ऑफिसर की गलती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्टेट बैंक खराब है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी आपको बतानी थी। तो कभी आप लोग थोड़ा सा और अच्छी चीजों को देखिए, थोड़ा समझिए उन चीजों को कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से आप पूरी बैंक को गलत मत कहिए। बैंक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और कस्टमर्स को बहुत अच्छी अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हमें ज्यादा सुनने को मिला है, क्योंकि उनके ऊपर वहां पर कंट्रोलिंग ऑफिसर्स नहीं हो पाते, सब दूर दूर रहते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन जो शहरी ब्रांचेस हैं वहां पे तो इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर कुछ एक आध दो ब्रांचेस में आती हैं तो आप दूसरी ब्रांचेस में भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए उतना आपके लिए सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए। आप अपना खाता कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। एक तो ये जानकारी मेरे को आपकी देनी थी, मे बी आपको ये कुछ हेल्पफुल लगेगी। दूसरा ये चीज बतानी थी कि कार लोन में जो यूज्ड कार लोन होती है, सर्टिफाइड कार लोन हम करते हैं, स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ सर्टिफाइड कार लोन करता है। सर्टिफाइड का मतलब होता है जो कि गाड़ी यूज्ड है लेकिन मान लो किसी डीलर के द्वारा खरीदी गई है, ट्रू वैल्यू द्वारा खरीदी गई है, कार 24 द्वारा खरीदी गई है जो कि ये ब्रोकिंग कंपनी है, ये इनके द्वारा दी गई गाड़ी, मतलब स्टेट बैंक उस सर्टिफाइड यूज कार लोन को करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आएगा अपनी गाड़ी दे जाएगा कि ये इसको फाइनेंस कर दो, ऐसे नहीं करती है, वेरी क्लियर, इस तरीके से फाइनेंस नहीं करती है। अगर आपको यूज्ड कार लोन लेना है, यूज्ड कार लोन का फाइनेंस कराना है, तो स्टेट बैंक सिर्फ सर्टिफाइड कार लोन को करेगी। हाल फिलहाल अभी तक मेरे सामने 4-5 साल में जॉब में मैंने कभी नहीं देखा कि हमने किसी भी व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को यूज कार लोन कर दिया हो। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि जो सर्टिफाइड कार लोन है स्टेट बैंक सिर्फ वही करती है, जो कि कार 24 जो कंपनी है वो लोग अगर दे दें कि हाँ ये गाड़ी हमारी है, ये सामने वाला व्यक्ति खरीद रहा है, तो हम उसको वो गाड़ी फाइनेंस कर देंगे। दूसरा, अगर ट्रू वैल्यू वाले आपको गाड़ी देते हैं तो हम ट्रू वैल्यू की जो गाड़ियां हैं उनको फाइनेंस कर देते हैं। इसके अलावा अगर डीलर की साइड से भी कोई डेमो कार होती है तो वो भी फाइनेंस हो जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष से गाड़ी खरीद करके आपको हम यूज कार लोन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये स्टेट बैंक की यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं तो ब्याज दर क्या देंगे हम, सर्टिफाइड कार लोन बोलते हैं हम इन गाड़ियों को जो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ली जाती है। तो इसमें जो ब्याज दर हम देंगे आपको वो देंगे 8.80 का ब्याज दर हम यहाँ पे आपको देंगे। 8.80 मिनिमम है एंड मैक्सिमम है 9.60। 9.60 का यहाँ पर सर्टिफाइड कार लोन में ब्याज दर चल रहा है। ये भी डिपेंड करता है सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है 750 सिविल जो है वो मिनिमम चाहिए, तो आपको 8.80 मिल जाएगा। और जैसे जैसे सिविल के स्कोर्स आपके कम होते जाएंगे आपको 9.60 तक हाईएस्ट यहाँ पे जाएगा। ये यहाँ पर सर्टिफाइड प्री कार लोन की मैंने जानकारी आपको यहाँ पर दी है। इसके अलावा स्टेट बैंक बाइक लोन भी देती है, बाइक लोन भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम है स्टेट बैंक बहुत कम करती है टू व्हीलर, बहुत कम करती है। मैं इस वक्त ग्वालियर में हूं और ग्वालियर की ब्रांचेस करती हैं, लेकिन सिर्फ दो तरह के बाइक लोन है, एक है सुपर बाइक लोन, दूसरा है नॉर्मल बाइक लोन। तो सुपर बाइक लोन की कंडीशन है जो 1.5 लाख से ऊपर का लोन लेंगे जिस गाड़ी पे, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की होगी तो ही स्टेट बैंक उसको फाइनेंस कर रही है। अगर आप नॉर्मल वाहन लेते हैं, एक्टिवा फाइनेंस कराते हैं, कोई भी छोटी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, टीवीएस वगैरह की पेशेंट प्रो जो गाड़ियां हैं, स्प्लेंडर जो है, इन गाड़ियों को बैंक फाइनेंस करती है, लेकिन आपको करवाना, मतलब आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाए ये बड़ी बात है, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं।
कि जो नॉर्मल गाड़ियां होती है वो ब्रांचेस करती नहीं है, नहीं करती हैं। कोई कर दे, आपका बहुत अच्छा व्यवहार है तो शायद कोई कर दे, वरना नहीं करती है। मैं तो आप लोगों से सीधा डायरेक्ट क्लियर ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग बेटर एक बार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक और ऑप्शन देता हूं, पहले इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सुन लीजिए आप। सुपर बाइक लोन जो होते हैं वो 1.5 लाख से ऊपर के होते हैं। अब इसमें जो ब्याज दर है वो 12% है, मिनिमम 12% से लेकर के 14.5% का ब्याज दर है, रिड्यूसिंग है, और 14.5% का ब्याज दर जाता है, ठीक है। और 12% मतलब 1 रुपए सैकड़ा वाला ब्याज, तो 12% से लेकर के 14.5% तक ब्याज दर जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ब्याज दर है, आपको ये ब्याज दर तो ठीक लगेंगे, लेकिन स्टेट बैंक में पर्सनल लोन भी ऑलमोस्ट इतना ही है, पर्सनल लोन के ब्याज भी इतने ही चल रहे हैं, इनफैक्ट इससे थोड़े बहुत कम ही है। तो आपको जो ब्याज, इसलिए जो लोग होते हैं जैसे कि जिनकी गवर्नमेंट सैलरी कस्टमर है, जिनकी SBI में सैलरी आ रही है, तो उन लोगों के लिए बाइक लोन लेने से अच्छा है कि वो पर्सनल लोन ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ जाएगा। और बाइक लोन में प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी आपकी, आपके फोरक्लोजर प्रीपेमेंट चार्जेस भी लगेंगे आपको, और आपका ब्याज दर भी 12 से 14.5%, और वो भी ये सुपर बाइक लोन है। तो बेटर ये है कि आप सुपर बाइक लोन से अच्छा है कि आप पर्सनल लोन ले लें स्टेट बैंक से, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक में सैलरी नहीं लेते हैं तो पर्सनल लोन तो नहीं ले पाएंगे, पर अगर आप स्टेट बैंक से लेना चाहते हैं लोन बाइक के लिए, तो बैंक आपको बाइक के लिए लोन दे देगी, तो ब्याज दर 12 से 14.5% मिल जाएगा, ये मिलता है। इसके अलावा जो नॉर्मल बाइक लोन बाइक होती है उनके जो ब्याज दर है वो है 17.75, मतलब 17.5% से लेकर के ऑलमोस्ट 20% तक का ब्याज दर चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं ये ब्याज दर जो है रिड्यूसिंग है, तो ये ब्याज दर फिर भी कम ब्याज दर है, क्योंकि मैंने जब फील्ड पे जब मैं गया था तो मैं एक्टिवा के शोरूम पे गया था, तो उनसे उन्होंने वहां पे जो मेरे को एक उनका फाइनेंस वाला था वो पता नहीं कौन सी 36% पे दिया था, मेरे से बोल रहा था कि अरे सर ये 15-16% का ब्याज दर लगेगा आपका, 16% का ब्याज दर। मैंने बोला 16% का ब्याज दर लगेगा तो मैंने तो स्टेट बैंक से भी कम दे रहा है, तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि ये स्टेट बैंक से भी कम ब्याज दर है, और वो भी प्राइवेट होके, NBFC थी वो, सॉरी ICICI बैंक नहीं थी, वो NBFC था। तो अगर वो इतना कम ब्याज दर दे रहा है तो कुछ दाल में काला था, तो मैंने अपने कैलकुलेटर खोले। आपको बता दूं अगर आपको EMI कैलकुलेटर EMI जाननी है तो EMI कैलकुलेटर होता है प्ले स्टोर पे, अगर आप एप्पल चलाते हैं तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करिए, और आपको वहां पे EMI कैलकुलेटर पे आप वो ब्याज डालना जो सामने वाला बता रहा है, तो आपको EMI निकल के आ जाएगी। तो मैंने डाला तो मैंने ये EMI तो कुछ बता रहा है, कुछ आ रहा है, तो बोले सर ये फ्लैट ब्याज दर है। जब मैंने फ्लैट से लगाया तो लगभग ये ब्याज दर पड़ रहा है 36%। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट वाले जो हैं, आप जाएंगे जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, वो चाहे महिंद्रा हो या कोई भी NBFC हो, छोटी मोटी कोई भी, तमाम कंपनियां बैठी रहती टू व्हीलर वालों के पास, इवन टू व्हीलर में वो पोजीशंस हैं जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने वो देखा कि फाइनेंसर्स जो बैंक से फाइनेंसर्स हैं, हालांकि बैंक वाले बहुत कम बैठते हैं वहां पे, लेकिन जो बैंक के फाइनेंसर्स हैं, इवन जो प्राइवेट वहां पे जो कंपनियों के फाइनेंसर्स बैठे हुए हैं, वो खुद खड़े होकर गाड़ी बेच रहे हैं। ये पोजीशन है टू व्हीलर पे, खुद खड़े हुए हैं कि सर आइए ये गाड़ी है, ये ऐसे फाइनेंस हो जाएगी, मैं कर दूंगा। इतना कंपटीशन है मार्केट में फाइनेंस के टू व्हीलर में, बहुत ज्यादा। तो और इसलिए वहां पे भी जो ब्याज दर है वो भी इतना है, वो खड़े खड़े गाड़ी भी कर देंगे आपको, कुछ भी इनकम भी ना हो तब भी नहीं, वो देखा हाँ ठीक है बैंक स्टेटमेंट है, पैन का आधार कार्ड ले जाओ गाड़ी, ले जाओ टू व्हीलर ले जाओ, कोई इशू नहीं है एक्टिव। तो उसमें ब्याज दर भी आप समझ के चलिएगा, आपको 3 रुपए सैकड़ा से ज्यादा ब्याज दर लगेगा, ठीक है। 36%, 37%, 40% तक ब्याज दर ले रहे हैं, तो ये आपको आपके ऊपर है। बट मैंने बेसिकली बता दिया कि स्टेट बैंक नॉर्मल बाइक्स जो है वो नहीं करती है, सुपर बाइक लोन कर देती है। डिपेंड करेगा कि लोन जितना अच्छा लेंगे, क्योंकि कम लोन में मेहनत उतनी ही लगनी है जितनी एक कार लोन में लगती है, तो डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर। मैंने जैसा बताया कि किस ब्रांच में आप जा रहे हैं, कौन कर दे कौन नहीं कर दे वाली कहानी है, तो जो कर दे उसको अच्छा है, जो ना करे तो निराश मत होइए, किसी और ब्रांच में सपोर्ट बात करिए, मेरे पास आ जाइए, मैं जो भी हेल्प होगा मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो करा ही दूंगा कहीं ना कहीं से।
दूसरा एजुकेशन लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन का जो ब्याज दर चल रहा है वो है 11.15। ये एजुकेशन का नॉर्मल ब्याज दर है। अच्छा, एजुकेशन में अलग अलग स्कीम्स आती हैं, तो ये नॉर्मल एजुकेशन लोन्स हैं जो सबको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्कॉलर्स लोन होते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं, वहाँ का ब्याज दर जो है वो 7.5% 8% अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है ना। तो 7.75 भी है, 8% भी है, 8.25 भी है, इस तरीके की ब्याज दर भी है एजुकेशन लोन में। लेकिन डिपेंड करेगा आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस कॉलेज से आप पढ़ाई करेंगे। नॉर्मल एजुकेशन में, नॉर्मल कॉलेजेस के लिए तो 11.5% तक ब्याज दर है, और जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं IIM IIT वाले, उसमें 8% समथिंग ब्याज दर यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन्स में मिल जाएंगे। ये अलग अलग डिपेंड करता है कॉलेजेस के अकॉर्डिंग कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। कितनी फीस है, 5 लाख लोन चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। जो कॉलेज MBBS कर रहे हो, सपोज करो MBBS करो, तो 50-60 लाख तो आपको नॉर्मल चाहिए ही चाहिए किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए। तो उसके लिए ब्याज दर यहाँ पर बैंक आपको कम दे सकती है। जितना देखो, बैंक का जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना बैंक आपके लिए झुकेगी ब्याज दर के अंदर। तो दूसरी चीज़ें बात करते हैं होम लोन में, तो होम लोन का जो ब्याज दर है वो है मिनिमम 8.7 एंड 9%। ये सभी ब्याज दर का हमेशा कॉन्सेप्ट यह ध्यान रखना कि ब्याज दर जो मैं बता रहा हूँ वो मिलेंगे तो है, लेकिन ये अलग अलग सिविल स्कोर के ऊपर रहते हैं। मैंने आपने बोला कि मैंने आपने ये बताया था, ये हो सकता है आपको मिले और हो सकता है ना मिले। अगर आपकी सिविल अच्छी होगी तो ऊपर कम मिल जाएगा, अगर कम हुई तो ज़्यादा भी बढ़ के मिल सकता है। बाकी के सभी लोन आपकी इनकम के हिसाब से ही दिए जाते हैं, आपकी जितनी इनकम होगी। एजुकेशन लोन भी अगर स्कॉलर्स लोन है तो आपके कॉलेज और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली मिल जाता है, उसमें शायद गारंटी भी नहीं लगती कुछ हद तक, उसमें कुछ कंडीशंस थी, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इसके अलावा एजुकेशन नॉर्मल लोन है, उसमें आपके गारंटर लगते हैं, को एप्लीकेंट भी लगते हैं, पिताजी वगैरह लग जाते हैं, तो ये कुछ है। और बाकी का कार लोन टोटली आपकी इनकम के ऊपर है, मिनिमम 25,000 रुपये इनकम यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है। तो बेसिकली लोन में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कभी भी लाइफ में अपनी सिबिल ख़राब ना करें। अगर आपकी अभी एज कम है और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को जरूर समझें, सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सिबिल को हल्के में ना लें। मैं जब मैं डीलर्स पर विजिट करता हूँ, मारुति के डीलर्स पर विजिट करता हूँ, तो वहाँ के जो लड़के हैं वो मेरे से बोलते हैं कि सब मेरा एक कार लोन मेरे को ही कर दो। मैं उनकी सिविल देखता हूँ, लड़कों की उम्र नहीं है, वो 20-21 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी सिविल अभी से 550-600 सिविल, उन्होंने मात्र लोन देखे तो मैंने 500 रुपए के लोन लिए हुए, पता नहीं किसी धनी ऐप से, किसी एरी गैरी छोटी मोटी ऐपों से 500 रुपए 1,000 रुपए ले लिए हैं और लेके बस वहाँ भाड़ में अंदर पैसे मिल गए छोड़ दिया। उनको ये नहीं पता कि उनका आने वाला भविष्य खराब कर दिया उन एप्लीकेशंस ने। कभी गलती से मैं उन पेरेंट्स को भी ये एडवाइस दूंगा कि अपने बच्चों को इन चीजों का जरूर बताएं कि कभी भी मोबाइल में आने वाले एप्लीकेशंस जो लोन्स ऑफर करती हैं, 500 रुपए 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए अर्जेंट बेसिस पे ले लो, ये ले लो, उनको अपने बच्चों को उन चीजों से दूर करें, दूर रखें, वरना वो अपनी सिविल ख़राब कर लेंगे। जब वो जिम्मेदार होंगे, जब उनकी शादियाँ होंगी, जब वो कुछ कमाने लगेंगे, जब उनको लगेगा कि आज मुझे अब अपना मकान बनाना है, मुझे अपने लिए कार खरीदनी है, मुझे अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, जब उनको अगर लोन की रिक्वायर्ड रहेगी तो बैंक उनको लोन नहीं देगा उनकी आज की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो इस बात को आप लोग अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ बताएँ कि ये धनी है, जो भी होती हैं नीड है, तो जो आप समझदार हैं, मैं ये नहीं कहता मैं इनके खिलाफ हूँ, आप इनसे पैसा लीजिए, लेकिन आपको नीड है, आपको बहुत नीड है, इमरजेंसी है, कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं तो लीजिए। लेकिन बच्चे इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पैन कार्ड लगा करके उनसे 500 रुपये ले रहे हैं, 1,000 रुपये ले रहे हैं, 1,500 रुपये ले रहे हैं और अपनी सिबिल ख़राब कर बैठ रहे हैं। सिबिल ख़राब हो जाती है तो वो सही नहीं होती है। स्टेट बैंक जैसी जो बड़ी बैंकें हैं ये टोटल बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों के ऊपर, कभी भी आपको किसी तरह का लोन नहीं देंगे। आप भविष्य में कभी किसी फ्लैट को लेने की सोचोगे, कभी किसी डुप्लेक्स को लेने की सोचोगे, कोई मकान बनाने की सोचोगे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेने की सोचोगे, तो कभी भी आपको ये लोन्स नहीं देंगी बैंक। तो थोड़ा सा इन चीजों में
अवेयरनेस रखिए, समझदारी रखिए, जो पैसा ले रहे हैं उसको वापस चुकाइए, और मैं तो ये कहूंगा इन एप्लीकेशन से दूर रहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू गाइस, हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में हर बात का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।